Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our Crash Course series for your JK Bank PO and Banking Associate examination. मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे और आप लोगों की preparations भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी. तो हमारा ये जो chapter अभी चल रहा है ये है Data Interpretation. जैसा कि मैंने आपको already कहा है कि Data Interpretation आपके syllabus का सबसे lengthiest chapter है. अगर इसमें offline coaching हम कराते हैं तो इसमें more than 1 month खाली इस chapter में लग जाता है, तो इतना ये लंबा chapter है. तो यहाँ पे अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो हमें बहुत कम टाइम में ये पूरा चैप्टर ख़त्म करना है. इसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हम आपको पूरा मतलब इस पे ऐसे तो होना चाहिए था कि हर एक इसके चार्ट पे मैं आपको 10 to 20 न्यूमेरिकल्स कराऊं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पूरे इस टाइम में क्या जितना भी टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए बस यही चैप्टर हो जाएगा और बाकी सारा रह जाएगा. तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कुछ चीज़ों को हमें आगे भी लेके जाना है ताकि आपके बाकी भी सारे चैप्टर्स कवर हो जाए जब तक आपका एग्ज़ाम आ जाए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. हम पिछले लेक्चर में आपको मैंने दिया था टेबल के सारे क्वेश्चंस दिए थे, उसमें वो टेबल का जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है. उस पर मैंने एक अलग से पूरी लेक्चर दी जिसमें मैंने सिर्फ आपको टेबल के क्वेश्चंस कराए. तो बाकी जितने भी चार्ट्स हैं इसमें मैं आपको मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस दिखाऊंगा. हर एक चार्ट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम किसी भी चार्ट से, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उस चार्ट के वो पूरे क्लियर हो जाए. आपको बस डेटा रीड करना आना चाहिए और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिर क्वेश्चंस होते हैं वो मैचिंग करते हैं. फिर उसके वो मैचिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि किस चार्ट से वो क्या पूछेगा, एप्लीकेशन उसकी सेम होती है, बस चार्ट डिफरेंट होता है, आपको रीड करना आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाई चार्ट के एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, इसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल में. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं. Percentage distribution of rice to 5 retailers A, B, C, D and E from a granary having total quantity 800 kgs in March 2017. तो ये हमें दिया है 5 retailer है जहाँ से हम अपना ये चावल राशन वगैरह लाते हैं. ठीक है, वो 5 retailer है A, B, C, D and E. तो उनकी percentage distribution दी है कि किस retailer को कितना मिलता है rice. ठीक है, किसी granary से मतलब किसी government के store से जब मिलता है हमें rice, तो उन स्टोर्स को जहाँ से मिलता है राइस उसको हम कहते हैं क्या, ग्रेनरी, जहाँ से जहाँ पे ये रखते हैं राशन को स्टोर. तो उससे हमें कुछ भी नहीं लेना है, हमें इन्फॉर्मेशन से लेना है क्या है हमारा यहाँ पे डेटा. ये बोलता है व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स बी सी एंड डी. तो 3 रिटेलर्स इसने इसमें से चूज किए हुए हैं, वो कौन कौन से है, बी सी और डी. तो हमें देखना है बी सी और डी का एवरेज कितना बनता है राइस. ठीक है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे परसेंटेज में दिया है. देखो हम चार्ट में देख रहे हैं परसेंटेज में सब कुछ है, लेकिन हमें केजीज में फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या है, पहले हमें दिया है टोटल क्वांटिटी और उसकी फिर परसेंटेज दी है. तो परसेंटेज से हम निकालेंगे इनकी क्वांटिटी कितनी किसको मिलती है इंडिविजुअल क्वांटिटी, और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि उस फिर एवरेज में इन तीनों की कितनी क्वांटिटी बनती है. तो देखते हैं हमें क्या करना है, बी सी और डी. बी का कितना परसेंट है 18% और सी का कितना परसेंट है 19% और डी का 14%. तो इस टोटल को हम ऐड करेंगे वो बनता है हमारा 51%. तो टोटल में से 51% सिर्फ ये 3 ले जाते हैं. ठीक है, 51% इन 3 का, लेकिन टोटल कितना था हमारे पास 800 केजी, वो हमारे क्वेश्चन में दिया है. तो 800 का 51%, देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको हमेशा कहा है कि स्प्लिट करो दो नंबर्स को ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए. तो 800 केजी का 51% कितना बनेगा, 800 इंटू 50% मतलब हाफ होता है तो 400 बनेगा, और उसके बाद 800 का 1% होता है 8, तो 400 प्लस 8 बनेगा वो 408 केजीज मिलते हैं तीनों को. लेकिन हमें क्या बोल रहा है ये एवरेज. इसमें हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि क्या पूछता है. ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पूरा सही करेंगे लेकिन फिर माइनर एरर्स की वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है. ठीक है, तो ये बोलता है एवरेज निकालो इनका. तो एवरेज कितना आता है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स. तो सम ऑफ टर्म्स कितना है हमारा 408, 408 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 3 है बी सी और डी का. हमें और ए और ई के साथ कुछ भी नहीं लेना है इस वाले क्वेश्चन में. ठीक है, तो 408 डिवाइड बाई 3 हम करते हैं वो कितना आता है 3 into 1, 3 into 3, 3 into 6, तो 136 केजी बनता है इन तीन का एवरेज. वो देखो हमारा पहला ही ऑप्शन है 136. तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें सिंपलेस्ट सवाल था. तो ऐसे सवाल आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं एग्जाम में, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से उसके बाद हम जाते हैं एडवांस में. तो चलिए देखते हैं दूसरा इसमें क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. यही चार्ट है, इसी चार्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है. देखो क्या बोलता है, व्हाट्स द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर सी. अब हमें सिर्फ सी को देखना है. ठीक है, बोलता क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल.
एंगल कितना बनाता है सी इस राइस की क्वांटिटी के वजह से, क्योंकि ये पाई चार्ट है तो ये सर्कुलर होता है, आपको पता होनी चाहिए कि सर्कुल का जो एंगल होता है टोटल एंगल वो कितना होता है 360 डिग्री, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये कंप्लीट एंगल, इसको कहते हैं 360 डिग्री। तो सर्कल का एंगल बनता है 360 डिग्री। अब हमें देखना है कि सी का अकेले में कितना एंगल बनेगा। तो देखिए 360 डिग्री होता है कितना, 100%। 360 अगर 100% है, हमें देखना है सी का कितना। अब हम दोनों साइड में 100 इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मुझे एक हर एक स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ से 100 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 1। तो यहाँ से कितना 360 डिवाइड बाई 100, वो बचेगा हमारा 3.6। तो 3.6 डिग्री इज इक्वल टू 1%। देखो यहाँ से हमारा परसेंटेज था, यहाँ से हमारा डिग्री था। तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट हमारा यही बना कि 3.6 डिग्री इज इक्वल टू 1%। तो हमारे पास सी के पास कितने परसेंट है, 19%। तो 19 × 3.6, 19% × 1% की डिग्री होती है 3.6 डिग्री, एंगल यहाँ से जो बनाता है ये। तो 19 × 3.6, तो 3.6 × 19 को इसको जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो 3.6 को अगर हम × 20 करते वो इजी होता है, क्योंकि जिसके नंबर के भी जीरो आता है लास्ट में वो हमारे लिए इजी होता है। 3.6 × 10 36 बनेगा, 3.6 × 20 उसका डबल 72 बनेगा, लेकिन ये × 19 है, मतलब 72 से हमें कुछ कम करना है, कितना 3.6, तो 3.6 इससे कम करना है। देखो 72 से हम 3 जब कम करेंगे तो 68 बनेगा, लेकिन उससे भी कम करना है 0.6, तो कितना बनेगा, 72 से जब हम 3 कम करेंगे तो वो हमारा 69 बनेगा, और फिर 69 से भी 0.6 कम करना है, तो वो बचेगा हमारा 68.4। तो 68.4 डिग्री सी बनाता है एंगल। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान वाला, ये वाला पाई चार्ट था, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस भी थे। ये मैंने आपको बताया कि इसमें एंगल भी पूछ सकता है, ये इनका एवरेज भी पूछ सकता है, रेशियो भी पूछ सकता है, आपस में कितना रेशियो है इनका क्वांटिटी ऑफ राइस का, वो आप निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में जाएंगे, देखेंगे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं आगे। तो देखिए क्या बोलता है ये, इन 2014 द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी वॉज 5/13 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम डिपार्टमेंट। अब ये किसी कंपनी की बात कर रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें गिवन है कितना, 450। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पीओ के प्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं हमारा, 2014 में नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी, किसी भी डिपार्टमेंट सी लिया है इसने यहाँ पे, तो ये है डिपार्टमेंट सी, इसकी परसेंटेज दी है हमें कितनी, 26%। तो इसमें बोलता है ये नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, तो परसेंटेज दी है मतलब टोटल एम्प्लॉयज दिए हैं, हमें निकालना है बस फीमेल एम्प्लॉयज यहाँ पे पहले कितना है, वो है 5/13। तो हम देखते हैं इसके हिसाब से कितने फीमेल एम्प्लॉयज 2014 में थे, किस में, डिपार्टमेंट सी में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सी में फीमेल एम्प्लॉयज वो कैसे निकलेगा हमारा, पहले देखेंगे हम टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 450 टोटल थे, इंटू उसका 26% कितना बनेगा, × 26/100, और उसमें से फिर फीमेल्स कितने थे, ये तो टोटल आया हमारा मतलब मेल्स प्लस फीमेल्स इन डिपार्टमेंट सी, उसमें खाली फीमेल्स कितने थे, वो 5/13 जो हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इजीली 13 × 2 और 5 × 20, उसके बाद 0 और 0 कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो बचा कितना हमारा 45। तो सी के पास कितने एम्प्लॉयज़ है, 45 एम्प्लॉयज़ जो फीमेल है, ये 2014 का डेटा। अब आगे क्या करना है हमें क्वेश्चन में, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट एफ वॉज 4 लेस देन दैट ऑफ डिपार्टमेंट सी। अब डिपार्टमेंट एफ में बोला ये जितने वहाँ पे फीमेल्स थे वो कितने थे, सी से 4 कम थे, तो सी में हमने निकाला इजीली 45, तो इसको 4 कम करेंगे वो कितना बनेगा हमारा 41। तो ये क्या आया हमें, अब एफ के पास कितने फीमेल एम्प्लॉयज़ है, अब क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट एफ, हमें बोलना है एम्प्लॉयज़ कितने मेल एम्प्लॉयज़ है एफ में। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एफ़ के पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है, तो देखते हैं एफ़ के पास कितने एम्प्लॉयज़ टोटल है। देखो एफ़ है 22%, टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ एफ अगर हम निकालें वो है 22%, 22% मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल एम्प्लॉयज़ 450 है पूरी कंपनी में, ये है एफ़ के पास टोटल एम्प्लॉयज़, वो कितना बनता है हमारा, देखो 0 0 कैंसिल होगा, उसके बाद 2 × 5 एंड 2 × 11, ठीक है, और 5 × 9, तो 11 × 9 कितना बनता है हमारे पास, 99, 99 एम्प्लॉयज़ टोटल है डिपार्टमेंट एफ के पास, ठीक है, मेल प्लस फीमेल, लेकिन फीमेल हमने ऑलरेडी इसका निकाला 41, तो इसको इसमें से लेस करेंगे हमारे पास कितने बचेंगे, जो इसमें मेल एम्प्लॉयज़ है, 9 − 1 8, 9 − 4 5,
तो इसके पास कितने एम्प्लॉयज़ है जो मेल है वो है 58। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको बनाना पड़ता है। जो भी डेटा है इसमें पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उससे निकालना है कि हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे हमने यहाँ पे पहले निकाला सी में कितने फीमेल्स हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उसके बाद हमने निकाला उसमें बाकी एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी डेटा पर। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लेवल काफ़ी अच्छी लेवल मुझे लगी, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लाया यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से करोगे, इससे आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। इन 2014 देयर वर 25% पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी। कोई भी डिपार्टमेंट इसने लिया है, डिपार्टमेंट बी यहाँ पे है, इसमें कितने हैं 25% है पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़। तो जैसे हमारी लेवल होती है स्टडी की, कोई ग्रेजुएट एम्प्लॉई होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उससे बड़े कोई होते हैं, तो इस हिसाब से इसने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, उसी का डेटा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और कैलकुलेट करना है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको पता है कंपनी में है, वो है 450। अब क्या बताता है आगे, ये बोलता है कि बी में जो है 25% पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ है। तो हम देखते हैं वो कितना हुआ, पहले बी में निकालेंगे हम कितने टोटल एम्प्लॉयज़ है। तो बी में है 16% ऑफ टोटल। तो देखिए डिपार्टमेंट बी में कितना है, 16/100, ये 16 है, 16/100 इंटू टोटल कितने थे 450। 10 10 कटा यहाँ पे, देखो 5 × 9 एंड 5 × 2 और 2 × 8, 8 × 9 कितना बनता है हमारा 72। तो ऐसे आप कटिंग करके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके आपके छोटे छोटे वैल्यूज़ आएंगे, फिर आपको मल्टीप्लाई करना यहाँ पे ईजी होगा। तो ये है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो बी में है। तो इसमें मेल फीमेल सब कुछ आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट जो होंगे उससे अलग जो होंगे बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के वो भी इसमें आएंगे। तो अब क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, ये बोलता है 25% इसमें से थे पोस्ट ग्रेजुएट। तो 25 आपको पता ही है, मैंने आपको कल भी बोला था लेक्चर में कि 1/1/2 होता है हाफ, ऐसे ही 1/4 होता है 25%, 3/5 3/4 होता है 75%। तो ऐसे आप याद रखोगे। तो 72 का कितना लेना है हमें, 1/4, क्योंकि वही है 25%। तो 72 × 1/4, तो 4 से इसको हमें डिवाइड करना है, 4 × 1 एंड 4 × 8, तो मतलब कितने हैं 18 एम्प्लॉयज़ है टोटल, जो डिपार्टमेंट बी में है और जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ है। तो हो गया यहाँ तक हमारा पूरा मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने निकाली। उसके बाद 2015 मतलब अगले साल की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 22 एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम डिपार्टमेंट वेयर शिफ्टेड टू ब्रांच PQR। इंटर डिपार्टमेंट जैसे ट्रांसफ़र होती है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गई, ऐसे ही बोल रहा है ये कि बी में से हमने निकाले 22 एम्प्लॉयज़ और उनको शिफ्ट किया कहाँ हमने, PQR दूसरे डिपार्टमेंट में। तो बी में से हमने कितने निकाले, अब बी में से 22 एम्प्लॉयज़ हमने निकाले, लेकिन ये जो 22 एम्प्लॉयज़ है हमें नहीं पता ये पोस्ट ग्रेजुएट में से कितने निकाले इसने, बाकियों में से कितने निकाले, अभी हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो फिर क्या बोलता है, इन 2015 द परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी बिकेम 28%। लेकिन अब ये हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है 2015 में परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट्स एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी। देखो पहले जो हमने निकाला था 2014 में 25% थे टोटल पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़, अब ये बोल रहा है लेकिन 2015 में जब हमने 22 एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र किया उसके बाद बी में बचे हमारे 28% पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे उसका क्या मतलब हुआ। देखिए 2014 में आपने निकाला था हमारे पास 72 एम्प्लॉयज़ टोटल थे और उसमें से 18 थे पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़। अब जब 22 ट्रांसफ़र हो गए, हमें नहीं पता ये पोस्ट ग्रेजुएट थे नहीं थे क्या थे, वो हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि 2015 में बी का क्या हाल है। बी के पास पहले थे 72, उसमें से 22 ट्रांसफ़र हो गए, तो मतलब यहाँ पे कितने बचे, 72 − 22, तो बचे हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़। तो अभी क्या है बी की कैपेसिटी, वो है 50 एम्प्लॉयज़। तो इसमें से बोल रहा है ये 28% है अभी पोस्ट ग्रेजुएट। तो देखते हैं इसका 28% कितना बचता है, 28% मतलब डिवाइड बाय 100, तो परसेंटेज नहीं रहेगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 100 × 50। ठीक है, 10 10 कैंसिल, 5 × 2 एंड 2 × 14, मतलब 14 एम्प्लॉयज़ है अभी भी वी के पास जो क्या है पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ वेयर शिफ्टेड टू ब्रांच PQR। तो ये बोल रहा है बोलो कि दूसरे डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ शिफ्ट हुए हैं। तो हम इजीली निकाल सकते थे, पहले हमारे पास थे बी के पास कितने पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़, 18, वो हमने निकाला था ऑलरेडी 18, और अभी हमारे पास है 14, तो 18 थे पहले अभी है 14, तो कितने ट्रांसफ़र हुए, 18 − 14 मतलब 4 एम्प्लॉयज़ हमारे ट्रांसफ़र हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, इसमें
बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा था, तो इसमें आपको ज़्यादा यूज़ करना था आपकी आपके माइंड का, इसमें ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट छुपे थे, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एडवांस का भी अंदाज़ा हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हो गया आपका पाई चार्ट यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि मैंने कहा क्रैश कोर्स है, हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही टॉपिक पे नहीं दिखा सकते, तो वैसे हमारा सिलेबस फिर रह जाएगा। तो चलिए एक और टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ क्या होता है, मैंने आपको कहा जब हम डिस्क्रीट डेटा अपना प्लॉट करते हैं पॉइंट से और उन पॉइंट्स को हम फिर ज्वाइन करते हैं, वो जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहते हैं हम, लाइन ग्राफ। तो अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, देखो दो कंपनियाँ हैं जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने दोनों का नाम सुना होगा, एसर और सोनी, ये दो कंपनियाँ क्या है, कंप्यूटर बनाती हैं। फिर क्या बनता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, ये हमने डेटा दिया है दो ये जो कंपनियाँ हैं कितने कंप्यूटर बनाते हैं पर मंथ, देखो डिफरेंट मंथ्स का डेटा दिया है दोनों कंपनियों का, यहाँ पे ऑरेंज से इसने सोनी रिप्रेजेंट किया है और ब्लू से इसने एसर रिप्रेजेंट किया है। तो जनवरी का डेटा ये है, मतलब जनवरी में देखो हमें रीड कैसे करना होता है, जनवरी में सोनी बनाता है, सोनी क्या है ऑरेंज, तो 46 बनाता है, ऐसे ही एसर बनाता है जनवरी में कितने 34। तो इसी बिना पे हम किसी भी मंथ का डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि ग्राफ तो हमें अब रीड करना आता ही है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है उसका क्या है, इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इन फेब्रुवरी। तो ये किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा है, ना सोनी की ना एसर की, मतलब हमें दोनों कंपनियां लेनी है, ये कह रहा है टोटल नंबर, मतलब दोनों कंपनियों का टोटल नंबर जो मार्च में सेल हुए हैं, इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन फेब्रुवरी, ये कह रहा है मार्च में सेल्स कितनी ज़्यादा हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फेब्रुवरी से। तो मैंने आपको कहा है कल जो मैंने आपको लेक्चर बोला था उसमें मैंने आपको दी थी फॉर्मूला हम कैसे चेंज इन परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो ईजी है, ठीक है। पहले हम देखते हैं हमें ग्राफ से क्या डेटा मिलता है मार्च और फेब्रुवरी के लिए, ठीक है। तो देखो मार्च में क्या है और फरवरी में क्या हाल है, मार्च में यहाँ पे क्या है, मार्च में टोटल सेल्स दोनों कंपनियों की कितनी हुई है 64 एंड 48, ठीक है, वो कितना बनता है हमारा 8 4 12 2 1 112। तो 112 हमारी सेल्स हुई है मार्च में, और फेब में कितनी सेल्स हुई है, देखो ये है फेब का डेटा, 60 प्लस 36, 60 प्लस 36 मतलब 63 96, तो फैब में कितना है 96। तो बस ये इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ से चाहिए थी, वो हमने निकाली। इसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन क्या है, ये बोलता है मार्च में कितनी ज़्यादा सेल्स हुई है फैब से, लेकिन परसेंटेज, तो चेंज मैंने आपको कहा था कल परसेंटेज चेंज के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे 112 जो मार्च में सेल्स हुई है, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है फेब्रुवरी में कितनी सेल्स हुई थी 96 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू भी होता है 96, ठीक है, इनटू 100। तो 112 माइनस 96 कितना बनेगा 16, 16 डिवाइड बाय 96 इनटू 100। तो सीधा इसमें टेबल ही आता है 16 का ही, सीधा 16 इंटू 6 होता है 96, तो इसका मतलब कितना है यहाँ पे 1/6 इंटू 100। तो 6 × 16.66, तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्या 16.66, लेकिन इसने यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है क्वेश्चन में, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 तो है, 66% कितना होता है किसी भी चीज़ का 2/3, ठीक है, ये 16 2/3 ये है इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इस पे मैंने आपको मैंने कहा है हर एक में हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर एडवांस में जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको लाइन ग्राफ से दिखेगा, आपको बस डेटा निकालना है ग्राफ से, उसके बाद अप्लाई करना है और क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं, देखते क्या है अगला क्वेश्चन, इसी ग्राफ पे बेस एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये 14 2/7 है, ठीक है, ये यहाँ पे आप 14 2/7 कंसिडर करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं अब क्या, इफ़ द नंबर ऑफ सोनी कंप्यूटर सोल्ड इन मे इज़ इंक्रीज बाय 14 2/7%। अब जो सोनी कंप्यूटर्स, मतलब अब अलग से एक कंपनियों की बात कर रहा है, सोनी ने जो सेल की कब मे में, तो मतलब एसर हमें फिलहाल नहीं देखना है, सोनी की सेल्स देखनी है मे में, इज़ इंक्रीज बाय 14 2/7%, 14 2/7%।
देन व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ सोनी कंप्यूटर्स सोल्ड इन जनवरी मार्च एंड मई। सिर्फ सोनी की ही बात कर रहे हैं तो ये सर हमें देखना नहीं है, बस सोनी ही देखना है। सोनी कंप्यूटर सोल्ड इन जनवरी मार्च एंड मई, ये कह रहा है कि अगर जो मई में सेल्स हुई है उनको हम बढ़ा दें कितना, 14.27% से, तो एवरेज जो बनेगा जनवरी मार्च और मई का वो कितना बनेगा। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको ग्राफ से फाइंड आउट करना है डेटा, उसके बाद आपका ईजिली हो जाएगा। तो देखते हैं हम ग्राफ पे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी। तो देखो ये पहले क्या कह रहा है, मई में अगर 14.27 चेंज हो गई तो मई का डेटा देखना है हमें किसका, लेकिन सोनी का। यहाँ पे आप अलर्ट रहिए कि सोनी कौन सा है, एसर कौन सा है, कभी कभी जल्दी में आप फिर मिक्स कर लेते हो तो समझ नहीं आता आपको, ठीक है। तो सोनी की सेल्स कितनी है, 56। तो 56 में हमें ऐड करना है कितना, इसी का 14.27%। तो वो कितना बनता है हमारा देखते हैं। देखिए 56 हमारे पास सेल्स थी ऑलरेडी, लेकिन ये कहता है इंक्रीज हुआ 14.27%। तो 14.27 मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 14.27। तो वो कितना बनेगा हमारा, 7 × 10 70, 7 × 4 28। तो 88 + 2 100, तो ये 100/7 बनेगा हमारा, ठीक है। लेकिन इतना परसेंट ही कहता है 14.27%, तो इसको डिवाइड बाय भी करना है क्या 100% के लिए। तो वो कितना बनेगा हमारा, 1/7। इतनी सेल्स हमने इसमें क्या है इंक्रीज की है। तो टोटल सेल्स कितनी थी हमारे पास, 56 प्लस इसी का कितना, 1/7 × 56, ठीक है। तो वो कितना आता हमारा, 7 × 8। तो 56 + 8 कितना बनता है हमारे पास, 64। तो मतलब 64 कंप्यूटर्स हमने सोनी ने सेल किए हैं किस मंथ में, मंथ ऑफ मई में। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अब कितना एवरेज में चेंज आएगा, किस एवरेज में, ये बोल रहा है सोल्ड इन जनवरी मार्च एंड मई। चेंज नहीं कह रहा, ये कह रहा है एवरेज ही बताओ कितना है जनवरी मार्च और मई में। तो बिल्कुल इजी हो गया, अब हमारे पास मसला वही था, हमें बस पहले निकालनी थी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है मई की, तो वो हमने निकाली। उसके बाद हमें बस एवरेज निकालना है, एवरेज होता है सम ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो जनवरी मार्च और मई में, तो जनवरी में कितनी सेल्स है, 46, तो लिखो 46 प्लस मार्च में कितनी सेल्स है सोनी की, 64, 64 प्लस मई में कितनी सेल्स है, मई में पहले तो 56 थी लेकिन इसको 14.27 हमने इंक्रीज किया, फिर उसके बाद ये बना फिर से कितना, 64। तो इसको हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 3 करना है, तो वो कितना आता है हमारा, वो बनता है हमारा देखो 64, 64 और 46, 4 1 आया कैरी, 7 174, और इसको डिवाइड पे करना है 3 से, तो 3 × 5, 3 × 8, तो इसका एवरेज कितना बनता है, 58। तो 58 कोई ना कोई ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो देखिए 58 है हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं लाइन ग्राफ से आपका, इसमें मेन यही रहता है कि पाई चार्ट आपको समझ आना चाहिए, उसके कभी एंगल वगैरह पूछता है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, कोई और चार्ट उठाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे बार चार्ट आपका, बार चार्ट वैसे बहुत इजी होता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आते नहीं है, बहुत कम चांसेस है इससे क्वेश्चंस आने के, क्योंकि ये सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर चार्ट्स। तो ये क्या बोल रहा है, अभी कोई भी कंपनी है यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाई कंपनी टी इंक्रीज बाई वट परसेंट फ्रॉम 2003 to 2004। ये अब डिफरेंट कंपनियाँ हैं पे, पी क्यू आर एस टी, 5 डिफरेंट कंपनीज है, और उनके 2 ईयर्स का डेटा हमें दिया है कितने प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करते हैं। 2003 का डेटा दिया है और 2004 का डेटा दिया है। 2003 ब्लू से रिप्रेजेंट करता है और 4 रेड से रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा चार्ट, ये हमने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चंस हम क्या करते हैं इसमें। ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी टी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2003 to 2004। तो हमें सिर्फ कंपनी टी देखनी है पहले, और कोई भी कंपनी हमें नहीं देखनी है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें कितना इंक्रीज हुआ है प्रोजेक्ट्स में, लेकिन ये हमें निकालना है क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 1 मिनट, ओके। तो 2003 से 2004 यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है हमें, क्योंकि 3 का जो छोटा है और 4 का जो है बड़ा इसका बार बना है, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है उसके लिए आपके पास फार्मूला है, फार्मूला कितना है आपके पास, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। तो 310 फाइनल वैल्यू है माइनस 180 इनिशियल वैल्यू है डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू फिर से 180। तो 310 माइनस 180 बनता है हमारा 130 डिवाइड बाई 180, और परसेंटेज के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100।
एक जीरो कैंसिल होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 2 × 5 एंड 2 × 9, तो क्या बनता है यहाँ पे हमारा 13 × 5। देखो 13 × 10 130 बनेगा, और 13 × 5 कितना बनेगा, वो बनेगा उसका हाफ मतलब 65। तो ज़ीरो इसके साथ है तो बनेगा हमारा 650 डिवाइड बाई नीचे का कितना है हमारा 9। तो देखिए आपको 9 का टेबल तो याद ही है, 9 × 7 63 बनता है, तो 7 आएगा 63। उसके बाद कितना बचा हमारे पास, 2 यहाँ आया 20, 9 × 2 18, तो 72 पॉइंट कुछ होगा। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे है हमारे पास 72, एक ही ऑप्शन में है तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे। अगर दो ऑप्शन होते 72 के उसके बाद फ्रैक्शन डिफरेंट होता तो हम आगे भी इसको सॉल्व करते, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो 72 ही हम आंसर मान के चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी ग्राफ पे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी आर एंड एस इंक्रीज बाय 25%। ये बोल रहा है कि आर और एस ने जो प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, आर यहाँ पे और एस यहाँ पे, इंक्रीज बाय 25%। ये 25% इंक्रीज हुए एंड 16% रेस्पेक्टिवली, तो मतलब आर फ्रॉम 2004 टू 2005, मतलब आर के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंक्रीज हुए 25% और एस के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंक्रीज हुए 16% एक साल में, 2004 से 2005। हमें डेटा किस किस साल का दिया है, 3 और 4 का, तो 5 का डेटा हमें नहीं निकाल दिया है, तो वो हमें निकालना होगा। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनीज आर एंड एस इन 2005। तो ये कह रहा है अगर ये इंक्रीज इतना हुआ है 4 से 5 तक, तो आप मुझे बताओ कि 5 में फिर क्या डेटा होगा, कितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने हैंडल किए होंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बस आर और एस का डेटा निकालना है जो इसने दिया है, वो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है और उसके बाद बोलना है कि 5 में कितना है। तो देखिए हम पहले लेंगे आर को अकेले में, तो इसके पास ऑलरेडी कितने प्रोजेक्ट्स थे 2004 में, देखो आर का यहाँ पे डेटा है तो 240, ये था आर का डेटा 2004 के लिए, लेकिन ये बोल रहा है ये इंक्रीज हुए 25%, तो इसी का इंक्रीज होना है कितना 25%, तो 240 ऑलरेडी थे और उसका 25% मैंने आपको ऑलरेडी कहा है वो कितना होता है 1/4 इंटू इसी का मतलब 240 का, तो 4 × 6 मतलब 60 प्रोजेक्ट्स इसमें ऐड हुए, 240 प्लस 6 कितना बनता है 300 बनता है। तो ये आ गया आपका आर का डेटा, उसके बाद देखते हैं एस का क्या हाल है। एस के कितने हुए इंक्रीज 16%, एस के इनिशियली कितने हैं देखते हैं, एस के थे 200 प्रोजेक्ट्स 2004 में, तो 200 थे प्लस इंक्रीज कितने हुए 16%, तो 16 डिवाइड बाय 100 इंटू यही 200 हमारा, ठीक है, तो 100 के 2 0 2 0 कैंसिल होंगे, 16 × 2 32, और 200 इनिशियली थे तो बनेंगे 232। तो अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये बोल रहा है आर और एस ने टोटल कितने किए, आर ने अब 300 किए और एस ने कितने किए 232, तो 300 प्लस 232 वो बनेगा आपका कितना 532। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, आपको बस निकालना था कि कितने प्रोजेक्ट्स किसने हैंडल किए अगले साल, तो इनका सम करना था। तो आपका बेसिक यहाँ पे सारे मैं जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बताता हूँ, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डेटा रीड करना आना चाहिए ग्राफ से। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे कौन से साल का डेटा किस में लेना है, तो वही प्रॉब्लम होती है जब आपको डेटा रीड करना नहीं आता है। एक बार आप डेटा रीड कर लोगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा इसमें नहीं आता है फिर, ठीक है। तो चलो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम देखते हैं और क्वेश्चंस इनके बारे में, ग्राफ्स के बारे में, ठीक है, ओके बाय।